माविया मुल्ला, माविया मुल्ला जहाँ कहीं भी हो मैन ऑफ द मैच का अपना पुरस्कार लेने के लिए आइए माविया मुल्ला। जाफर भाई आवाज बढ़ाओ। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, धन्यवाद जाफर भाई। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो बाजू में आए, मंच के बाजू में आए, मंच के सामने से हटे। आइए अनिश जी ऊपर आइए, बहुत अच्छी बैटिंग आपके द्वारा की गई जिसके वजह से केजी वॉरियर की जीत हुई है। मैं हाजी इलियास पटेल की तरफ से, किशोर जी गायकवाड की तरफ से 2000 रुपये का इनाम इलियास जी पटेल दे रहे। उसका नहीं, मैं दिया उसको, उसको दिया। मैं किशोर गायकवाड और योगेश काकड़ी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच माविया मुल्ला को प्रदान करें। चलो चेंडू पाटवा, दूसरी गेंद दो। रुपेश जी आइए ऊपर आइए, आप मंच पर आपका सत्कार किया जाएगा। आइए रुपेश जी। थैंक यू सो मच मनोज जी पाटिल सर, वाशी गांव के हमारे कल एक बार फिर आप सभी की खिदमत में ज्वाइन होंगे। मैं सचिन गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर। चलिए मैच की तरफ चलते हैं, मैच चालू रखना है। ऑर्गेनाइज कमिटी की तरफ से नदीम पटेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विशेष जैन का सत्कार करें। नदीम पटेल सत्कार करिए। आईजी, आईजी सुपर किंग के कैप्टन, आपको लास्ट कॉल है, आपको स्टेज पर आना है। केजी वॉरियर्स और आरडी ड्रॉ उड़ाने वाले हम। रिजवान अपने कप्तान को भेज रहे हैं, ड्रॉ उड़ाने जा रहे हैं हम। रुपेश जी का सम्मान नदीम पटेल करते हुए, रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पर आए, आपका कीमती समय निकाल के वक्त दिया हमने हमारे मंच पर आकर, मंच की रौनक बढ़ाई आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपका धन्यवाद, हमारे केजी वॉरियर के मालिक किशोर जी, हनीफ फक्की जी, हमारे विट्ठल जी, साथ में फरीद फक्की जी, रिजवान आयुब पटेल जी, हमारे शफीक सर का बहुत बहुत। चलिए मैच की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा शांति बनाए रखना है। मापारे टाइगर्स टीम और एमडी हसन स्टार्स का जो मैच है कल, ठीक जो आज का मैच होना था वो कल होगा। बैट्समैन आउट, फरहान का विकेट गिरा है। कल का, आज का जो आखिरी मैच था कल ठीक 9 बजे खेला जाएगा, मापारे टाइगर्स और एमडी हसन स्टार। आईजी सुपर किंग, केजी वॉरियर्स और आरडीआर कैप्टन, लास्ट कॉल है, आपको स्टेज पर आना है ड्रॉ के लिए। फरहान का विकेट गिरा है। खेलने प्रीमियर लीग 2024 हम देख रहे हैं दोस्तों, आए हुए सभी दर्शकों का, बच्चों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन बच्चा पार्टी जो सामने बैठे हैं, खड़े हैं सॉरी, उनको रिक्वेस्ट, थोड़ा बाहर जाइए प्लीज, बाहर मतलब पर्दे के पीछे आके खड़े रहो। आज का जो लास्ट मैच था कल खेला जाएगा ठीक 9 बजे, मापारे टाइगर्स और एमडी हसन स्टार का कल पहला मैच होगा। पहला ओवर शाहिद ने डाला, मंसूर नया ओवर लेकर, और ये अच्छा स्ट्रोक, ये अच्छा स्ट्रोक है, रिजल्ट बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, बल्ले से छिड़ा है। कयूम हसन मिया पटेल जी मंच पर आए, उनका हमारे केपीएल कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत। सिक्सर आता हुआ इस बीच बैट से,
फरहान का विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद बैट से ही आता हुआ बुलंदी पावरफुल सिक्स रजा पटेल। जमील के बल्ले से सिक्सर आता हुआ रजा पटेल लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर। मुकाबला चलता हुआ आप देख सकते बीच मैदान के अंदर पटेल रॉयल्स पीले कलर की जर्सी में जो टीम बैटिंग कर रही है शानदार 11 आसिफ जी फक्की की टीम यानी शानदार टीम फील्डिंग कर रही है हरे जर्सी में। तीनों टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट है आपको आना है ड्रॉप प्रक्रिया के लिए। केजी वॉरियर्स आईजी सुपर किंग और रिजवान दीवान राइडर। सुफियान पटेल आपको स्टेज के करीब आना है। सुफियान जी पटेल हमारे कोर कमेटी थोड़ा स्पीड अप करें तो बेहतर होगा। देखिए शानदार टीम इमरान पटेल आपको इस सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना है। मंसूर बॉलिंग कर रहे हैं जमील स्ट्राइक पर होंगे जिनके बैट से सिक्सर आया टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 पर 18 रन। वो आगे की बॉल थी बैट घुमाया था जोर से लेग साइड एरिया में लेकिन बॉल और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है स्कोर रुका हुआ है 18 पर। केपीएल का आज पहला दिन ये आखिरी मुकाबला कल का जो पहला मैच होगा मापारी टाइगर्स और एमडी हसन स्टार्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा ठीक 9 बजे कल पहला मैच होगा। कल का एग्जीबिशन मैच जो पहला मैच होगा एग्जीबिशन मुकाबला शो मैच 40 प्लस केरने वर्सेस 50 प्लस केरने के बीच खेला जाएगा ठीक 8 बजे। केपीएल केरने प्रीमियर लीग हाजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन प्रस्तुति प्रतियोगिता मुनावर जी पटेल प्रस्तुति प्रतियोगिता। यस अंपायर क्या प्रॉब्लम चल रहा है बताइए। अरे भाई नया जूना के चक्कर में पूरा टाइम निकल जाएगा आज का। ऐसा लग रहा है डीमार्ट पे शॉपिंग चल रहा है। इतना तो लड़कियां भी गेंद की शॉपिंग नहीं करती यानी कपड़े खरीदने की शॉपिंग नहीं करती जितना आप गेंद खरीदने की शॉपिंग कर रहे हैं। केस भाई चिल मारो चिल रमजान में अभी रोजा भी रखना है चिल मारो। ये दूसरा ओवर चलता हुआ आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला दोस्तों बताना चाहूंगा जितने दर्शक जुड़े कल पहला मैच मापारे टाइगर्स और एमडी हसन स्टार के बीच होगा। वो इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ रीजन की तरफ मिड ऑफ के फील्डर से थोड़ी सी गेंद बीट हुई दो की कॉल जरूर थी लेकिन मना किया क्योंकि दो रन था ही नहीं वहां पर। शिबू जैकब और इस मैच में अंपायरिंग करते हुए आकाश वसीम मुखिया पटेल आइए मंच पर आपका स्वागत किया जाएगा। आइए रिजवान दीवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वसीम मुखिया पटेल का सम्मान करे। मुनावर जी पटेल आज ये आवाज नीचे तुपे पूरे मैदान पे गूंजा है सभी नागरिकों की जिन्होंने स्वागत किया अपने मुख से अपनी आवाज से सभी का आदर सत्कार सम्मान किया हमारा मुनावर पटेल साहब ने जो हमारे कॉर्पोरेटर नगर से। वसीम मुखिया पटेल फेमस ब्लॉगर है। अच्छा ब्लॉगर है ब्लॉगर है बहुत ही खैरना गांव के उम्दा ब्लॉगर वसीम मुखिया पटेल इनका सम्मान। चलिए वसीम भाई तो एक ब्लॉग बनना चाहिए केपीएल पर आज का पहला दिन जो गया जिस हिसाब से नाइक साहब आए थे आज पूरे दिन का एक ब्लॉग बना देते तो मजा आ जाएगा फिर क्योंकि अपने गांव का ये केपीएल है तो एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए पॉइंट के ऊपर से। इस बार गेंद तो खेल दिया है पीछे डीप में खिलाड़ी वहां पर है बैकअप पे दूसरे की कोशिश थी सही एंड पर थ्रो किया गुड फील्डिंग अच्छी फील्डिंग वहां पर। ओवर की हुई है समाप्ति 5 ओवर का मैच 2 ओवर का खेल पूरा। 2 ओवर के खेल के बाद प्रथम बैटिंग करती हुई टीम पटेल रॉयल्स उनका स्कोर हुआ है 23। रोनक जी तांडेल करावे गांव के हमारे होनार खिलाड़ी और अच्छे स्कोरर रायगढ़ पनवेल में जिनकी दमदार गेंदबाजी अवश्य हम देखते हैं हर बार कब सबसे कम उम्र में जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है एज अ बॉलर नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में रौनक तांडेल। आज पूरे दिन जिन्होंने डीजे ऑपरेटर की भूमिका अदा की है पर्दे के पीछे की हीरो है
त्रिमूर्ति साउंड का नाम लिया जाए, लेकिन जाफर भाई आपके कार्य को संभाले सलाम है और अच्छा यहाँ पर डीजे गाना जो पेश किया है जाफर भाई ने, वेल डन जाफर भाई। थोड़ा स्पीड अप करें बेहतर होगा। आसिफ जी फकीर सेकेंड इनिंग में आपको ही बैटिंग करना है, रोशनी कम ना हो ये हम चाहते हैं, इसलिए स्पीड अप करने बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आसिफ भाई से बढ़िया कोई टाइमिंग पर समय को नहीं समझ सकता उनसे बेहतर। कमरान दूसरा मैच जिनके लिए निराशाजनक रहा, कोई बात नहीं बाउंस बैक करेंगे एक बार फिर। तौसीफ बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर बैट्समैन रजा, ओ हो इनसाइड आउट, हवा में खेला है और आउट होंगे। एग्जीक्यूट शॉट तो हुआ नहीं, ऊंचाई थी लेकिन लंबाई नहीं पैदा कर पाई गेंद, रजा को मिला है अपने खुद विकेट की सजा। मोहरा नहीं मिलने वाला कल, बकरी यहाँ पर खासतौर पर देखा जाए तो यहाँ पर बकरे मिलेंगे, मुर्गियां मिलेगी। रिजवान भाई खिलाड़ियों के लिए यश शाहिद, स्कोर हुआ टोटल 23-23। शाहिद लाला पहले मैच में जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया, बूम बूम से नाम मशहूर है इनका, शाहिद शेख। कट करने का प्रयास था, अच्छी विकेट कीपिंग आसिफ जी मुल्ला के द्वारा विकेटों के पीछे। तौसीफ ने इस गेंदबाज ने इंप्रेस किया, मैं शाहिद की तारीफ करूंगा जो अच्छे खिलाड़ियों को रोटेट करते हुए और गेंदबाजी के मोर्चे पर लाते हुए शाहिद शेख कप्तानी करते हुए। इस टीम के लिए बात करें फील्डिंग टीम शानदार, ऑन साइड की तरफ इस बार ब्लॉक, यहाँ पर गेंद को बड़ा स्ट्रोक के तब्दील करना चाह रहे थे, गेंद जाता हुआ मिड विकेट रीजन में। दर्शक देखिए काफ़ी तादाद में दर्शक आए। आज तो शनिवार है, कल सुपर संडे, कल तो खचा खच भरा रहेगा मुनावर साहब पूरा, ये मैदान हिलने के लिए भी जगह मिलने वाला नहीं है। ओवर द विकेट, वो पॉइंट के ऊपर से इस बार स्ट्रोक खेला है। देखिए वहां पर जो खिलाड़ी है हनीफ भाई, आप एक अच्छे डिसिप्लिन क्रिकेटर है, अपने खिलाड़ियों को कहिए थोड़ा सा मैदान के बाहर बैठे, क्योंकि अगर वहां पर बाउंड्री रुक जाएगी तो आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि आपकी टीम ही बैटिंग कर रही है, यानी लेने के देने पड़ जाएंगे। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। स्कोर हो चुका है 25-25। तौसीफ युवा यंगस्टर 16 वर्षीय खिलाड़ी, ओ क्या ये बॉल थी जबरदस्त, अपनी रफ्तार में गिर रफ्तार किया इस बार गेंदबाज ने, बैट्समैन की डांडी हुई है गुल, खिलाड़ी है ब्यूटीफुल। लगा है सही समय पे डैशिंग, तो हमारे अमित जी मेडकर और मुनावर जी पटेल की जोड़ी देखिए, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग इस बार, रजा पटेल आउट हुए, उसके बाद एक और खिलाड़ी आउट हुए इस बीच जमील। स्वागत है अमित भाई एक बार फिर आपका। सम्मानी आयान जी करेल साहब आए हुए हैं, उनका विशेष सम्मान करेंगे। अदनान जी पटेल से रिक्वेस्ट है कोर कमेटी उनका विशेष सम्मान करे। आयान जी करेल अंपायर, लास्ट बॉल डॉट होता अंपायर, थैंक यू। तीन ओवर के बाद स्कोर हुआ टोटल 25। बॉलिंग मार्क पर अनवर आए, निहाद करेल, निहाद जी करेल का हो चुका है सम्मान। अनवर ओवर द विकेट,
ऑफ स्टंप के बाहर, रूम मिला था लेकिन गेंद बल्लेबाज से दूर और अवे फ्रॉम दी बॉडी, यानी दिशा इन गेंद वाइड, वाइड जरूर है लेकिन मुकाबला टाइड हो तो थोड़ा सा मजा आएगा। आज के दिन के महान बल्लेबाज जो इस टीम में खेल रहे हैं, आजाद क्रिकेट टीम के माध्यम से पूरा खेरने गांव का नाम सभी जगह पर रोशन करने वाले अजीज पटेल, आसिफ फकी, ये इस मैच में खेल रहे हैं, ये हम सभी यंग स्टार को देखने के लिए मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है इनसे। ये बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है मुनावर जी पटेल। आसिफ भाई आप देखते इस मैच में खेल रहे तमाम लेजेंड खिलाड़ी इमरान है, यंगस्टरों को काफी सीखने को मिलता हुआ, युवाओं को कैसे डगआउट में बैठे बैठे प्रेशर को झेलना है, सही खेलना है, डिसिप्लिन क्रिकेट कैसी सीखनी है, और यही डिसिप्लिन क्रिकेट यहाँ पर हनी भाई पटेल अपने डगआउट में पटेल रॉयल्स के खिलाड़ियों को सिखाते हुए। पटेल रॉयल्स में ऐसा नहीं कि सब बुजुर्ग खिलाड़ी है, वहाँ पे भी यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा है, और हनीफ भाई जैसे एक लेजेंड क्रिकेटर है वहाँ पर सिखाते हुए यंगस्टर को कैसे यहाँ पर प्रेशर में अच्छा क्रिकेट खेलना है। देखिए हमारे खेलने के अर्जुन, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिजवान दीवान राइडर्स के मालिक रिजवान दीवान का सत्कार करें, सभी टीम ओनर का सत्कार किया गया है, रिजवान दीवान का सत्कार बाकी है, मैं अदनान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिजवान दीवान सत्कार करे। हाँ अब तक रिजवान दीवान सबका सत्कार कर रहे थे मेहमानों का, अब उनका भी सम्मान होना चाहिए भाई, क्योंकि सभी ओनर्स का भी विशेष सम्मान कर रहे हैं हमारे कोर कमेटी टीम। आजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन हमारा है, ऐसा फाउंडेशन ना सिर्फ क्रिकेट दहीहांडी यहाँ पर खासतौर पर तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ पर खासतौर पर जो त्यौहार होती है ईद रमज़ान सभी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे हाजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन के माध्यम से। इस बीच एक गैप पे शॉट है, ये चौका मिलेगा एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, देखिए ऐसा गैप ढूंढा है जैसे मानो शिलफाटा में कोई बाइक वाला गैप ढूंढता है ट्रैफिक में। जमील स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक एट पर सलमान। देखिए बॉलीवुड के सलमान तो फेमस है, ये कितना फेमस होंगे सलमान हमारे खेलने के तो आने वाला वक्त बताएगा। थोड़ा टाइम कम लीजिए बेहतर होगा आसिफ भाई टीम प्लीज, शानदार सेकेंड इनिंग में आपको बैटिंग करना है। जमील ऑन स्ट्राइक ओवर द विकेट अनवर, ओ बैट का किनारा लगा था यहाँ पर, एज लगा था बिल्कुल, थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया वहां पर आसिफ भाई ने, आसिफ मुल्ला आसिफ माफ करना आसिफ फकी जी, आप देखते यहाँ पर विकेटों के पीछे 40 प्लस शहरी क्रिकेट के कप्तान घेरने के, ओवर दी विकेट फुल टॉस बॉल थी, ये ड्राइव कर सकते थे, बैट का फेस खोला जरूर था लेकिन बल्लेबाज से दूर, बैट्समैन से दूर रखने के चक्कर में वाइड डाल बैठे अनवर पटेल। रॉयल्स का टोटल स्कोर हो चुका है 34 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, आखिरी मैच आज के दिन का ओवर द विकेट। ओ ये सामने बिल्कुल फ्लैट की तरफ ये फ्लैट शॉट, दो रन चौके प्राप्त करने हैं, ऑफ साइड लेग साइड पे चौके लगाइए, ओवर की हुई है समाप्ति, आखिरी बॉल पे दो, स्कोर हो चुका है 36, यानी 9 के औसत से रन बनाया जा रहा है चार ओवर की खेल के बाद, टोटल स्कोर हो चुका है 36। कल ठीक 8 बजे पहला एग्जीबिशन मैच होगा 50+ vs 40+ खेलने टीम द्वारा, उसके बाद 9 बजे ठीक पहला मैच होगा मापारे टाइगर्स आजम मापारे की टीम होगी, सामने एमडी हसन स्टार हसन भाई की टीम। सुफियान भाई पटेल जिन्होंने काफी कड़ी मेहनत की इस प्रतियोगिता को यहां पर चार चार लगाने के लिए, अदनान भाई तमाम नाम केस नाम अगर मिल जाए तो बेहतर होगा, रिजवान दीवान पटेल भाई हमारे सभी पटेल परिवार, ये बेहतर होगा कि लिस्ट काफी लंबी है। ओवर द विकेट हाफ ट्रैकर बॉल, इस बार गेंद लेग साइड की तरफ हवा में है, हवा में है और जजमेंट थोड़ी खराब,
युवा खिलाड़ी वहां पर थे, तौसीफ थे मेरे ख्याल से, और वायर को वहां पर गेंद थोड़ा सा टच हुआ, जिसकी वजह से गेंद का जो एंगल था एयर थोड़ा सा नीचे आते वक्त थोड़ा सा टर्न हुआ, जिसकी वजह से फील्डर जज नहीं कर पाए। सलमान और यहाँ पर स्ट्राइक मैदान के अंदर जमील है। अब स्ट्राइक पे सलमान, बॉलर एक बार फिर तैयार होते हुए। मंसूर की ये बॉल हवा में, और जिनके लिए 10,000 रखा था सुबह से, अभी तक वो 10,000 ले ही नहीं पाए। वहां पर आवेश, आवेश ने मैदान में अपना प्रवेश किया है, लेकिन यहाँ पर अब तक शुभ प्रवेश हुआ नहीं है, कैच पकड़ा नहीं इन्होंने। आज पहला कैच आया था वो भी छूट गया। ये बड़ा शॉट जमील ने यहाँ पर जमाया है और अपनी टीम के लिए 6 रन कमाया है मिड विकेट के ऊपर से सिक्सर। आपको सॉरी मैं रोकना चाहूंगा जाफर भाई, लेकिन ये बड़ा अनाउंसमेंट जो कि काफी आवश्यक इंपॉर्टेंट है, सभी टीम ध्यान दे। आज जो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हुई है, इसका ये मतलब नहीं कल आप मस्त एकदम तैयार होकर तेल और यहाँ पर पाउडर लगाकर आप आएंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि कल भी आपको टूर्नामेंट की जो जर्सी आपकी टीम को दी गई है, और टीम के ओनर के साथ पूरे खिलाड़ियों को जर्सी पहनकर ही आना है। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है कोर कमेटी के माध्यम से, आप कैजुअल ड्रेस में आएंगे तो उस टीम को बैन किया जाएगा अगले साल के लिए, ओनर भी आप अपनी टीम खरीद नहीं पाएंगे और खिलाड़ियों को भी बैन किया जाएगा, प्लेयर्स ओनर्स दोनों को निलंबित किया जाएगा उस टीम के। बराबर हिसाब है, बिल्कुल सही है। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, ध्यान देना है, आज जो टीमें मैच आ रही है कल भी आपको ड्रेस किट के हिसाब से पहनकर आपको मैदान पर आना है। जो टीम जो टीम कैजुअल ड्रेस में पाया गया, ओनर और टीम यहाँ पर केपीएल की जर्सी पहनकर नहीं आएंगी, उनको यहाँ पर अगले साल केपीएल में बैन किया जाएगा। और अगर आप पहनकर आते हैं केपीएल की जर्सी तो यहाँ पर ढेर सारा इनाम, 15 मुर्गी गावटी, मिठाई और ठंडा, यहाँ पर मिठाई ठंडा सब कुछ है। कल तो त्योहार है, रमजान से पहले त्योहार रख दिया यहाँ पर हमारे मुनावर जी पटेल साहब ने, बिल्कुल रमजान ईद से पहले। केस केस मुखरी की जितनी तारीफ करें उतनी कम। देखिए बॉल मैदान के बाहर जा रहा है लेकिन लेने कोई नहीं आ रहा है, मैं केस की तारीफ करूंगा। केस मकसूद भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यानी डायलॉग हो। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे, टोटल स्कोर हो चुका है 51 रन, इनिंग हुआ है कंप्लीट। शानदार टीम को जीतने के लिए 52 रन चाहिए, शानदार बल्लेबाजी करना होगा शानदार टीम को, दमदार बल्लेबाजी करना होगा शानदार टीम को, 52 का टारगेट। एक बार फिर मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आज जो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि कल आप खिलाड़ी आपके आएंगे नहीं, ओनर आएंगे नहीं, आना भी है और केपीएल की जर्सी पहनकर आना है। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है कोर कमेटी की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है अगले साल के लिए, क्या आपकी टीम को खिलाना है, क्या आपके खिलाड़ियों को मौका देना है या नहीं। क्रिक लाइफ के माध्यम से प्रतियोगिता दिखाया जा रहा है आज ठीक 9:30 बजे हमारे एरोली विधानसभा मतदाता आमदार लोकनेते मार्गदर्शक हमारे नवी मुंबई के, नवी मुंबई किंग आन बान शान, नवी मुंबई के लोकनेते सम्मान्य गणेश जी नाइक साहब आए हुए थे। नवी मुंबई प्रथम महापौर, सबसे यंगेस्ट महापौर, माजी खासदार हमारे डॉक्टर संजीव जी नाइक साहब आए हुए थे थोड़े समय पहले सुबह में। हम देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से लगातार जब जब मौके मिले यहाँ पर हमारे तुरबे गांव के स्थानीय नगर सेवक अमित जी मेडकर साहब, जो जिगरी दोस्त जिगरी यार हमारे मुनावर जी पटेल साहब के, हमेशा से सुख दुख में साथ देने वाले। और थोड़े समय पहले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे अमित जी मेडकर, जो युवा महामंत्री है, युवा मोर्चा महामंत्री और खासतौर पर महामंत्री हमारे सूरज बालाराम जी पाटिल साहब आए हुए थे कुक्षेत्र के नगर सेवक। यस केस कहिए आप क्या बोल रहे थे। अंपायर आपके पास नए बॉल है, यस शिबू नहीं है, ओके 52 का टारगेट है। चलिए आज की शाम सूरज ढलने वाली है लेकिन किसी एक की उम्मीद जगने वाली है,
किसी एक की उम्मीद यहाँ पर ढहने वाली है, क्योंकि जो हारा पटेल रॉयल स्पेशली, अगर ये मैच पटेल रॉयल्स अगर ये मैच हारते हैं तो ऑलमोस्ट बोरिया बिस्तर बांध कर टाटा बाय बाय अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। मुनावर साहब मेरा एक रिक्वेस्ट है, अदनान भाई कल से काम करो, विकेटों के पीछे जो पर्दा है वहां पर पानी रख दो बल्लेबाज अंपायर के लिए, सबसे बेस्ट, टाइम भी बचेगा सब कुछ बढ़िया। अभी फिलहाल पानी तो बंदोबस्त किया गया, लेकिन बेहतर होगा कल से एक पानी का बॉक्स ही वहां पर पीछे रख दो, अंपायर्स के लिए भी पानी, बैट्समैन लोग के लिए भी पानी। विट्ठल भाई मंच पर बैठे हुए देखे, क्या पर्सनालिटी, बिल्कुल संजय दत्त वाली पर्सनालिटी विट्ठल भाई आपकी, बिल्कुल डैशिंग लग रहे हैं आज एकदम, और क्रिकेट के एक प्रचंड प्रेमी है हमारे विट्ठल भाई, स्वागत है विट्ठल भाई आपका इस प्रतियोगिता में। आसिफ फकी और उनके साथ उतरे युवा यंगस्टर मंसूर भगवाल, मंसूर बकवाल बैटिंग के लिए उतरे, हनी पटेल आजाद खेरने क्रिकेट के कई दशक तक जिन्होंने राज किया है अपने अच्छे प्रदर्शन से, सेवा की है, नाम रोशन किया आजाद खेरने क्रिकेट का हमेशा से। हनी पटेल अब बॉलिंग मार्क पर, सामने स्ट्राइक पे आसिफ फकी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है आजाद खेरने क्रिकेट को हमेशा से, युवाओं के आइडल आसिफ फकी ऑन स्ट्राइक, ये अच्छा बैटल होगा एक लेजेंड खिलाड़ी के सामने, एक लेजेंड खिलाड़ी, मजा आएगा। 52 का टारगेट, 52 का लक्ष्य, पहला ओवर पावर प्ले ओवर, पहली बॉल नई बॉल के साथ हनी पटेल आसिफ के लिए और आउट, प्लेमेलवी पगबाधा, पिचिंग इन लाइन, विकेट इन लाइन, विकेट हिटिंग, अंपायर ने देखा और कहा, यहां पर शिबू ने कहा कि बैट्समैन आउट, LBW, पहली बॉल पर विकेट दीजिए। खेरने गांव के हमारे मुनावर पटेल साहब अगर दो गेंदों पे दो विकेट और लेते हैं यहां पर हनी पटेल, तो नियात करेल की तरफ से 1000 और केस मुखरी की तरफ से 1000। आज पैसे काफी बरसे हैं, रन भी बरसे हैं, कैफ खान ने पहला 50 लगाया इस टूर्नामेंट का, लेकिन आज पहले दिन हमने किसी बल्ले गेंदबाज द्वारा हैट्रिक नहीं देखी है, मेडन ओवर नहीं देखने को मिला, शायद कल आ सकता है, लेकिन आज फास्टेस्ट 50 और पहला अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कैफ खान, ये स्ट्रोक थोड़ा सा फंस गया जी, नहीं टाइमिंग अच्छी है, रिजल्ट बेहतर, शॉट जबरदस्त, बूम बूम शाहिद के बैट से आता हुआ ये छे लाला 6 रन। ये बैट से गोली थी, ऊंचाई के 6 नंबर अवश्य मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट जो होगा अंपायर सिग्नल 2 रन। इस 2 के साथ यहां पर शाहिद ने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है, शुरुआत ठोस दी है। आसिफ फकी पहली बॉल पर आउट हुए, गोल्डन डक बने, लेकिन उसके बाद रनों की सौगात लाई है अपनी टीम के लिए यहां पर शाहिद शेख ने। शाहिद शेख बूम बूम शाहिद, हाजिर ऑफ आमिर पिया पटेल, एक लेजेंड क्रिकेटर हमारे, दिग्गज खिलाड़ी खेरने नवी मुंबई को जिन्होंने हमेशा से नाम रोशन किया है, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे मुनावर जी पटेल के माध्यम से एक पवेलियन बनाया गया है। जाकिर हाजी यूसुफ पटेल, एक और लेजेंड खिलाड़ी जो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय हमारे लेट, और पवेलियन 2 वहाँ पर बनाया गया है। मैं तारीफ करूँगा यहाँ पर हाजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन के सभी कोर कमेटी का, एक अव्वल दर्जे का आयोजन, ऐसा आयोजन की देख कर लग रहा है कि चौथा या पांचवा सीजन होगा केपीएल का, लेकिन जी नहीं, ये पहला ही सीजन है, धमाकेदार है, दर्जेदार है,
शानदार है और शानदार टीम मैच खेल रही है। हनी पटेल, ओ इस बार बैकफुट पे पंच कर दिया गेंद को, गेंद जाता हुआ स्वीपर कवर रीजन में। अच्छी फील्डिंग वहां पर स्वीपर कवर रीजन में डीप में। इस ओवर की गेंदों की विश्लेषण करें, अब तक टोटल गेंदें हो चुकी है 4। लॉन्ग ऑन रीजन पे इस बार स्ट्रोक खेला गया, दो रन आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 पर। देखिए 11 बने हैं लेकिन आज किसके 12 बजेंगे इस मैच में वो भी देखना होगा, क्योंकि एक टीम डू और डाई मैच खेल रही है, करो या मरो। कहते डुबके को तिनके का सहारा, मैं तो कहूंगा यहाँ से पटेल रॉयल्स को हनीप और उनके कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस का सहारा पूरी तरह है। अगर सामने वाली टीम को हराना है शानदार को तो दमदार प्रदर्शन करना होगा यहाँ पर पटेल रॉयल्स की टीम को। एक और दो रन, ये अच्छा क्रिकेट है। कहते हैं मुंबई की लाइफलाइन सिंगल और डबल, क्रिकेट की लाइफलाइन, कहते हैं मुंबई की लाइफलाइन लोकल और क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल डबल। ये अगर आपके पास है क्रिकेट के यहाँ पर स्कोर कार्ड को अगर आप बिजी रखते हैं तो यहाँ पर सामने वाली टीम को लगातार आप टेंशन देते हैं कि रन कैसे रोकना चाहिए, सामने वाले बल्लेबाजों को कैसे रोके। फिलहाल स्कोर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जब से मैदान पर कप्तान उतरे शाहिद शेख, बूम बूम शाहिद, ये खेलने के खिलाड़ियों ने इनको नाम दिया है बूम बूम शाहिद, और उनका टोटल स्कोर हो चुका है, व्यक्तिगत स्कोर आप देख सकते हैं वो 9 पर बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर हो चुका है 13 रन। 13 या मेरा, किसका ये मैच होगा यहाँ पर, कमाल का ये मुकाबला। 13 रन बन चुके हैं, अब जीतने के लिए 24 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता। ऐतिहासिक ये मैदान, नवी मुंबई में हमेशा से यहाँ पर इस मैदान की चर्चा की जाती है, यानी आज़ाद मैदान ये हमारे खेरने गाँव का। सुना पड़ा था थोड़ा सा शांत माहौल था लेकिन आज त्यौहार लाया है क्रिकेटरों का यहाँ पर, कहते खिलाड़ियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक खुशी करने का यहाँ पर, खुशियाँ लाने का जो मौका दिया है यहाँ पर मुनावर जी पटेल साहब ने, वो काबिलियत तारीफ है दोस्तों। शाहिद शेख ऑन स्ट्राइक, पुल कर दिया है और ये फ्लैट शॉट, और ये कैच का मौका था लेकिन मुश्किल है, लेकिन इस टारगेट को चेस करने के लिए मुमकिन यहां पर किया है शाहिद शेख। बूम बूम के बैट से आता हुआ एक और धूम धूम शॉट। दाकिर हाजी, यूसुफ पटेल पवेलियन एंड में जो बैठे हमारे इमरान पटेल, मानो ऐसे नाच रहे जैसे मानो उनको कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई, उनकी जवानी याद आ गई है, क्या बात है। काफ़ी यहाँ पर एंटरटेन करते हुए हमारे जाफर भाई डीजे ऑपरेटर की भूमिका में, त्रिमूर्ति साउंड। फुल टॉस गेंद, ये पिकअप शॉट इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, ये गैप पे शॉट है, ये चौका देकर जाएगा। बूम बूम के बैट से आता हुआ एक और चौका, ये खिलाड़ी अनोखा है, बल्ले से एक दर्जेदार शानदार चौका है। 4 रन, अब जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता, 29 रन बनाने हैं जीतने के लिए। सूरज की किरणें ढली है लेकिन उम्मीद जगाया इस मैच की जीत के लिए यहां पर कप्तान ने, कप्तान चल पड़ा है सीना तान, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कप्तान कैसा हो, शाहिद शेख जैसा हो ऐसा बताया अपने प्रदर्शन से अब तक कप्तान शाहिद शेख ने। बूम बूम के बल्ले से दमदार बल्लेबाजी होती हुई, मुश्किलें बढ़ती हुई पटेल के लिए। ये लाउड अपील लेकिन ये टोकन अपील था। देखिए ये थोड़ा सा जो बल्ला चलाया था झूठी अपील के लिए चलाया था पर शाहिद शेख ने, और जो फरहान को हम जितना जानते हैं, फानू यानी फरहान, दोनों अच्छे जिगरी दोस्त, चट्टी बट्टी यार। ऑन दी अप शॉट, ये गैप पे शॉट है, क्रैकिंग कवर ड्राइव, मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत ये कवर ड्राइव लाला का। बूम बूम के बैट से आता हुआ एक और चौका।
चीज की आवश्यकता, अब टेंशन यहाँ पर, अब थोड़ा सा हार्ट बीट फास्ट होती हुई, किसकी हो रही हार्ट बीट फास्ट, पटेल रॉयल्स की, सभी खिलाड़ी अब टेंशन में है, 20 गेंदों में 25 कैसे बना यहाँ पर रोकने हैं, और सामने वाली टीम कैसे यहाँ पर बना रही, उसको रोकने का काम करना है गेंदबाजों को, अगर हारते हैं तो केपीएल 2025 का इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर फील्डिंग टीम को। ओ ये मौका था, कैच भी छूटा है, थोड़ा सा दिल भी टूटा है, और कैच किसने छोड़ा यहाँ पर, फरहान ने, फन्नू ने कैच छोड़ा यहाँ पर, जो दो लड़के जा रहे हैं हमारे उनसे रिक्वेस्ट, थोड़ा फटाफट जाइए, ये बेहतर वापसी, गेंदबाज ने अच्छी बॉल डाली बॉलिंग करते हुए, सादिक बाउंस बैक करना पड़ेगा यहाँ पर पटेल रॉयल्स को, यहां से अब 19 गेंदों में 25 की आवश्यकता बैटिंग टीम को, सामने की तरफ अवश्य दो रन मिलेंगे आराम से, इजीली दो रन, रनों को रोकना होगा पटेल रॉयल्स की टीम को, अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदे 23 रन, कौन जीतेगा ये मैच आज की शाम, जाते जाते किसके होगी नाम, चलिए उससे पहले सुनते एक संगीत डीजे त्रिमूर्ति साउंड द्वारा, आगे फेल है, क्या डांस कर रहे हैं वहां पर हमारे इमरान पटेल, शोएब भाई के हमारे बड़े भाई मेरे ख्याल से, 18 गेंदे अब जीतने के लिए यहां से 23 रनों की आवश्यकता, राह संघर्ष की जो जलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग लड़ी है सूर्य बनकर वही निकलता है, मेहनत करना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं संघर्ष आपका जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी, आसानी से जीत मिलती नहीं है, पसीने बहाने पड़ते हैं, केस बुकरी अगर यहाँ पर इनामी राशि केस यहाँ पर जाहिर करते हुए फरहान के लिए, तीन बॉल पे अगर तीन विकेट लेते हैं तो यहाँ पर फन्नो तो केस की तरफ से 2000 है, लेकिन आता हुआ दो रन आता हुआ, आप जीतने के लिए 21 की आवश्यकता, गेंदे बची हुई है 17, लेकिन मैं कहूंगा पटेल रॉयल्स के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये साझेदारी ये पार्टनरशिप थोड़ा सा टेंशन लेकर आ रही है यहाँ पर हनी भाई उनकी टीम के लिए, ये टेंशन इतना बड़ा हो जाएगा कि मैच हाथ से गंवा सकती है टीम, वापसी करनी है तो विकेट्स लेने होंगे, ये साझेदारी को तोड़ना होगा, विकेट्स लेने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पर लाइन और लेंथ ढूंढनी होगी, किस प्रकार मंसूर को आउट करे, किस प्रकार यहाँ पर शाही शेख का विकेट लिया जाए, ओह इस बार टोपी भी उड़ी है और गेंद भी उड़ा है, सर सलामत पकड़ी हजार, डॉट बॉल आया ये अच्छा है, ये डॉट बॉल कहीं ना कहीं पटेल रॉयल्स को थोड़ी सी राहत की सांस देगी, ओ अंधाधुन बल्ला चलाया था, बनी तो बनी ना तो अब्दुल गनी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है, टप्पा करने के बाद गेंद नीचे रहती हुई, फरहान अपनी टीम को वापसी कराते हुए इक्वेशन बदलता हुआ, डॉट बॉल जैसे जैसे आ रहा वैसे वैसे थोड़ा सा उम्मीद जगता हुआ यहाँ पर फील्डिंग टीम का इस मैच में वापसी करने का, राइट अप राउंड अगली बॉल, ये आसमान की तरफ खेला है, लॉन्ग ऑन रीजन पर खिलाड़ी लेकिन मिड ऑन पर खिलाड़ी गए, ये कैच पकड़ा गया है, दबाव जो बन रहा था उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं उस दबाव में अपना विकेट गंवा बैठे मंसूर, उनको लौटना होगा वापिस, क्या आज का दिन गुजरा है दोस्तों, सुपर सैटरडे में आज क्या देखने को मिला है, केस एक टीम मुकाबला जीतता है तो दूसरा हारता है, दूसरा जीतता है तो पहला जो मैच हारा उस टीम ने, क्या ये मैच रहा है, हाई लेवल हुआ है केपीएल,
ओहो इस बार आड़े बैट से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, लेकिन अंधाधुन फायरिंग करने से बेहतर है कि समझदारी के साथ क्रिकेट खेले। ये फरहान का ये लाजवाब ओवर अपनी टीम को वापसी कराता हुआ उनकी टीम को। इस मैच में वापिस आ चुकी है पटेल रॉयल्स। ये भी तेज बॉल था, ना समझ पाए ना परख पाए। एक और डॉट बॉल, फरहान की बॉलिंग के लिए तालियां बननी चाहिए। गजब की गेंदबाजी की है फरहान ने, वेल डन फरहान। इक्वेशन बदलता हुआ, अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बननी चाहिए आपके जैसा। अब 12 गेंदे जीतने के लिए 21 की आवश्यकता। ना थके है ना हिम्मत हारी है, पटेल रॉयल्स कहती हुई दोस्तों, ना थके है ना हिम्मत हारी है, अभी प्रयास और संघर्ष और जीत के लिए जद्दोजहद जारी है। 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। चलते हैं डीजे की तरफ। ठुमका लगा रहे थे, अब वो भी टेंशन में। 12 बॉल अब जीतने के लिए 21 की आवश्यकता। ओ पॉइंट के ऊपर से उड़ा दिए, ओ ओ फ्लैट शॉट, वाह वाह वाह, सुपर से ऊपर कवर के ऊपर, लाला यानी बूम बूम शाही शेख के बैट से एक और सिक्सर आता हुआ। अब जीतने के लिए 15 रन चाहिए 11 गेंदों में। ठोकिए डीजे ठोकिए। से ठोकते हुए यहाँ पर ये फील्डिंग टीम ने किया, पीछे खुद के खिलाड़ी खड़े थे वो भी बाउंड्री लाइन के अंदर, अगर वो बीच में अगर नहीं आते तो शायद ये कैच होता था। ये कैच भी गवाया है, कहीं ना कहीं मैच भी गवा सकते हैं अगर ऐसी फील्डिंग रही तो। अब 15 रनों की आवश्यकता, ऐसा ना हो कि फरहान की लाजवाब गेंदबाजी का पानी फिर जाए। मेहनत पुष्पा आए बॉलिंग करने और एक और कैच छूटा है। ये हो क्या रहा है भाई, फील्डिंग टीम कर क्या रही है, कैचेस छोड़ते जा रहे हैं यहाँ पर। ये कैच छूटा है और कहीं ना कहीं मैच भी हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। जो बच्चे लोग जा रहे हैं उनको हटाइए प्लीज। अब जीतने का इक्वेशन बदलता हुआ, मैच का समीकरण बदलता हुआ, मैच का नक्शा और रूप बदलता हुआ। 10 गेंदों में अब 14 रनों की आवश्यकता है। शाहिद का विकेट मिल सकता था, कैच छोड़ दिया आपने। माइक गेटिंग खासतौर पर आड़ा शॉट लगाकर वर्ल्ड कप गवाया था इंग्लैंड टीम ने, और कहीं ना कहीं यहाँ पर गलतियों को यहाँ पर सुधारने की आवश्यकता है। रन बचानी होगी पटेल रॉयल्स को। फरहान ने पिछले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन इस ओवर में भी बॉलिंग अच्छी हो रही, लेकिन फील्डर का योगदान नहीं आ पा रहा है। कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, कैच गवाएंगे तो मैच गवाएंगे। अब इक्वेशन बदलता हुआ, 9 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 13 रन, अगर शाहिद का विकेट मिलेगा तो मैच में होगी एक बार फिर खलबली, हलचल होगा यहाँ पर मैदान के अंदर। अगर शाहिद शेख बुम बुम का विकेट अगर प्राप्त करती है पटेल रॉयल्स, अगर ये मैच पटेल रॉयल्स जीत जाती है तब उसके बाद केपीएल का और रोमांच बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी टीम आज एक एक मैच जीतेगी और एक हारेगी। ये क्या लाजवाब विकेट कीपिंग हुई है, हनीफ कह रहे आदाब या अपील कर रहे हैं। वाह अनिप भाई वाह, कोशिश तो भरपूर की है लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट ही है। इतना जोर से चिल्लाए हमारे अंपायर भी डर गए वहां पर। इक्वेशन बदलता हुआ, आप जीतने के लिए यहां से 13 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदों में 8 गेंदे 13 रन, ये मैच बिल्कुल तराजू के पाले की तरह हो गई है। कोई भी अब दर्शक नहीं कह सकता किस टीम की जीत हो रही है, क्योंकि 8 बॉल 13, दो अच्छी गेंदे अगर डॉट आ जाती है उस पर एक एक रन ही आते हैं तो मैच रोचक होगा, मैच रोमांचक होगा। लेकिन ये फ्लैट शॉट है,
अंपायर का सिग्नल, दो रन डिक्लेयर शिपू द्वारा। अब इक्वेशन बदलता हुआ, 11 रन चाहिए, 7 गेंदों में 11 का इक्वेशन। व्हाट अ मैच, आज के दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला। सुपर सैटरडे, शनिवार का दिन, और आज शनिवार के दिन वार और पलटवार हमने देखा है। क्या यहाँ पर मैच जीत पाएगी पटेल रॉयल्स? ओ बारी किनार लगा जरूर, लेकिन गेंद जाता हुआ विकेट कीपर से दूर, एक रन। देखना है क्या, यस अंपायर निर्णय बताना है। शिबू, कमिटी कह रही है एक रन, यस एक रन, यस अदनान पटेल है यहाँ पर। अब 10 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदे 10 रन, व्हाट अ मैच। 6 गेंदे 10, थोड़ा स्पीड अप करना है, 6 गेंदे 10 रन। हमारे वहां पर ऑफसाइड में चाचा बैठे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाचा आप मैच देखिए चाचा, लेकिन थोड़ा सा अंदर पैर रखिए, क्योंकि चोटिल भी हो सकता है कोई खिलाड़ी वहां पर डाइव लगाता तो, और काफी क्रूशियल मैच हो गया दोस्तों। अब कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, ऐसा उबाल हो उसमें खून चाहिए, रख हौसला व मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। 6 गेंदे 10 रन, टेंशन दोनों तरफ ही, टेंशन दोनों ही तरफ है। जो दिल के मरीज है वो थोड़े से रिक्वेस्ट करूंगा दूर चले जाइए इस मैच से। 6 गेंदे 10 रन, अब तो बिना नेल कटर के नाखून चबाने का नौबत आ गया है। 6 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता, क्या ये मैच हुआ है। पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, ये वाइड है, ये वाइड है, और कहीं ना कहीं हनीफ पटेल अब थोड़ी सी कान मंत्र देंगे गेंदबाज को। बॉलिंग करने कौन आए, देखिए रजा पटेल, रजा पटेल जिनको करनी गेंदबाजी बिल्कुल शानदार, और खेलना होगा सही खेल। मैच पलट पाएंगे क्या? अब 6 गेंदे जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता, क्योंकि पहली गेंद वाइड आई है। अनवर के बैट से 2 रन सामने की तरफ। अब जीतने के लिए 5 गेंदे और रन बनाने हैं 7। व्हाट अ मैच, आज इकलौता एक खिलाड़ी जिन्होंने 50 लगाया, नाम है कैफ खान, और मामा और भांजा आप देख सकते, दोनों मामे और मामा और भांजे आप देख सकते यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे एक साथ, यानी शाही शेख और अनवर शेख। पटेल रॉयल्स अगर मैच जीते तो अमान लायंस को भी मौके मिलेंगे, और हनी पटेल का ये अच्छा कैच। अब 4 गेंदे और अब जीतने के लिए यहाँ पर 7 रन की आवश्यकता, लेकिन सबसे बड़ी बात कमरान, स्ट्राइक लाला को नहीं मिलेगा, यानी शाहिद को स्ट्राइक नहीं मिलेगा, नया बैट्समैन स्ट्राइक लेगा। 4 गेंदे 7 रन, व्हाट अ मैच डीजे। भिवंडी से मैच देखने आए हुए हमारे, उनका हम स्वागत करते हैं। देखिए अगर पटेल रॉयल्स की अगर हार और जीत में कोई दीवार है, उस दीवार का नाम है शाही शेख बुम बुम लाला। 4 गेंदे अब जीतने के लिए 7 की आवश्यकता, बैटिंग टीम शानदार को। शानदार ने इससे पहले अपना पहला मैच जीता था, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, दौड़कर रन पूरा किया है, यही काम करना था। युवा यंगस्टर तौसीफ को बोला गया था आप जाइए और एक रन देकर लाला को स्ट्राइक पे लाइए, लाला यानी शाही शेख बुम बुम, इनके फैंस ने इनको नाम दिया है। क्या शाही शेख यहाँ पर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? अब 3 गेंदे जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, खूबसूरत है मुकाबला, पैसा वसूल है मैच। 3 गेंदे चाहिए 6 रन। मैं खास तौर पर खेरने प्रीमियर लीग के पूरे कोर कमेटी का शुक्रगुजार हूं, मुनावर जी पटेल का मैं शुक्रगुजार हूँ, अदनान पटेल, सुफियान पटेल। हाँ अंधेरा हो रहा, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है फील्डिंग टीम, थोड़ा सा गेम फास्ट रखना है। 3 गेंदे 6 रन, रजा पटेल राइट एम राउंड। ओहो ये डॉट बॉल है,
ये डॉट बॉल है, यानी मैच का नक्शा पलट गया है। मैं पहले कहा था उलझने बढ़ती गई, लोग कहते गए सामने वाली फील्डिंग टीम बिखरता गया, उलझने बढ़ती गई, सब दर्शक कहने गए सामने वाली टीम बिखरता गया। हनी पटेल एंड टीम ने कहा भैया हमने मेहनत किया, लो अब हम निखरते गए, निखरता गया। फुल टॉस बॉल, दौड़ कर रन लेना था लेकिन नहीं लिया है, ये भी डॉट बॉल है। देखिए मुनावर सर, क्रिकेट में कहते हैं कॉन्फिडेंस अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कंपलसरी चेज है। शाही शेख को लगा कि मैं मैच जीता सकता हूं, अब तो आर या पार वाली स्थिति है। कंपलसरी चेज, आखिरी बॉल 6 रन। ओ, ये बड़ा उलटफेर हुआ है, उलझने बढ़ती गई, सब कहते गए पटेल रॉयल बिखरता गया, उन्होंने मेहनत। आरम इसलिए डांस कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे लायंस को भी मौका मिल गया क्वालिफिकेशन के लिए। हैंडशेक करना है, दोनों टीमें हैंडशेक करनी है, हैंडशेक करना है।